लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले चेन्नई सुपर किंग्स को एक साथ मिली है तीन बड़ी खुशखबरी। जानेंगे पूरी खबर, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी चाहते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2022 का खिताब जीते तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। आईपीएल 2022 से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आईपीएल 2022 के अपने पहले ही मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को केकेआर के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें, चेन्नई सुपर किंग्स का अगला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 31 मार्च को खेला जाएगा। इसी बीच चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़ी तीन बड़ी अपडेट आ रही हैं, जिन्हें कहीं न कहीं चेन्नई के लिए अच्छी खबर मानी जा सकती है। यहाँ पर पहली अपडेट मोइन अली को लेकर के है। मोइन अली भारत पहुँच चुके हैं और वो दूसरे मुकाबले में खेलने के लिए तैयार है। मोइन अली अगर प्लेइंग 11 का हिस्सा होते हैं तो बल्लेबाजी के अलावा गेंदबाजी में मजबूती आएगी। यहां पर दूसरी बड़ी अपडेट ड्वेन प्रिटोरियस को लेकर के है। ड्वेन प्रिटोरियस भी दूसरे मुकाबले के लिए उपलब्ध रहेंगे। चेन्नई से जुड़ी तीसरी बड़ी अपडेट दीपक चाहर को लेकर के है। आपको बता दें, दीपक चाहर अपनी चोट से उबर चुके हैं और जल्द ही फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद वो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को ज्वाइन करेंगे। आने वाले मुकाबलों में दीपक चाहर एक बार फिर से धमाल मचाते हुए नजर आने वाले हैं। ये रही वो तीन बड़ी अपडेट जो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए किन्हीं बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2022 का खिताब जीत पाएगी? आप अपनी राय नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।